तो जय श्री राम गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं शिवम और आप लोग देख रहे हो ऑब्लिक एफएफ। तो इस वीडियो के टाइटल थंबनेल में जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज हम लोग इस वीडियो में क्या चीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस, हम लोग के प्ले स्टोर में आ चुका है एक नया गेम जिसका नाम है इंडस बैटल रॉयल। एंड ये इंडिया से मिलता जुलता नाम है क्योंकि ये इंडिया से लॉन्च हुआ है और ये गेम प्ले स्टोर में आने से पहले ही पूरा बवाल मचा दिया था। अगर आप लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हो तो आप लोगों ने इस गेम को जरूर से जरूर डाउनलोड किया होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है गाइस कि इस गेम के ओनर ने अनाउंस कर दिया है 2.5 करोड़ का एक फ्री टूर्नामेंट जो कि इंडस बैटल रॉयल गेम में होने वाला है। एंड ये एक स्पोर्ट्स की तरफ बहुत ही बड़ा रुख है। पूरा इंडिया में आज तक ना ऐसा टूर्नामेंट हुआ है, एंड पूरा इंडिया एक्सेप्ट गाइस पूरा वर्ल्ड में ऐसा टूर्नामेंट आज तक नहीं हुआ है जो इस गेम ने अनाउंस किया हुआ है गेम के ओनर ने। तो इंडस बैटल रॉयल ने इतिहास के पन्नों पे एक बहुत ही गहरा छाप छोड़ दिया है और यही कारण है गाइस ये गेम प्ले स्टोर में आने से पहले ही इतना तबाही मचा रहा है। खैर, इसका लॉन्च 15 दिन पहले ही हमारे प्ले स्टोर में हो चुका है और लॉन्च होने से पहले इसने जैसा एक ब्लूप्रिंट सबके माइंड में एक फर्स्ट इम्प्रेशन बनाया था, ये लॉन्च होने के बाद अपना वर्क वैसे नहीं दिखा पाया। खैर, हम लोग ये बातें किसी और वीडियो में करेंगे, फिलहाल इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, फ्री फायर वर्सेस इंडस बैटल रॉयल। अगर हम लोग फ्री फायर वर्सेस इंडस बैटल रॉयल कंपैरिजन करते हैं तो इसके मामले में हम लोग के सामने दो रिजल्ट्स निकल के आएंगे। तो फर्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फ्री फायर की। जब 2017 में फर्स्ट लॉन्च हुआ था तो उसके ग्राफिक्स कुछ इंडस बैटल रॉयल की तरह नहीं थे, डिफरेंटली चेंज थे, डिफरेंटली डमी थे, एंड वो उतने अच्छे नहीं लगते थे जैसा कि अभी इंडस बैटल रॉयल को अगर आप देखो तो उसका जैसे ग्राफिक्स लगता है, जैसे क्वालिटी वो दे पाते हैं, जैसे क्वालिटी, जैसे गन्स स्किन जैसे ये निकाल रहा है। बट हाँ, इंडिया टाइम टू टाइम डेवलप कर रहा है। 2000 में उतना डेवलप नहीं था जितना कि अभी डेवलप हो चुका है 2024 में। तो अगर इस चीज़ को कंपैरिजन करके हम लोग अगर इंडस बैटल रॉयल गेम को देखते हैं तो उन लोगों ने काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स बनाए हैं, काफ़ी अच्छे थीम्स पे अपना प्रोजेक्ट को वर्क किया, काफ़ी यूनिक आइडिया लगाने का ट्राई किया। फ्री फायर और पबजी को जरूर से कुछ ना कुछ मैच किया है, जरूर उन लोग दोनों में से कुछ कुछ लिया है, बट उन लोगों ने खुद से भी काफ़ी कुछ देने का अपने से ट्राई किया है। यूनिक मैप के नेम्स है, इतने यूनिक गन्स के नेम्स है, आप लोग को एक भी फ्री फायर और पबजी में ऐसा गन का नाम और मैप का नाम नहीं मिलने वाला है। हाँ, अभी इंडस बैटल रॉयल को अभी और चेंजेस की बहुत सारी ज़रूरत है। अगर आप लोग उसमें कमी देखने जाओ तो इंडस बैटल रॉयल में आपको बहुत सारी कमियाँ दिख जाएंगी, एंड खूबी भी देखो तो बहुत सारी अभी भी न्यू में खूबी आपको दिख जाएगी। एंड अभी के टाइम के फ्री फायर की बात करें तो उसके टक्कर में कोई भी बैटल रॉयल गेम मेरे हिसाब से नहीं आ पाएगा क्योंकि वो एक मिड रेंज मोबाइल में चलने वाला बहुत ही स्मूथ गेम है। और आप लोगों को बता दें, अगर पता नहीं है तो इंडिया में जो भी बच्चे बैटल रॉयल गेम खेलते हैं या वो हम लोग के एज के रहे या हम लोग से छोटे रहे तो उन लोगों के पास फर्स्ट में एक मिड रेंज मोबाइल ही आता है। एंड मिड रेंज मोबाइल में पबजी और ज़्यादा ग्राफिक्स, ज़्यादा क्वालिटी, ज़्यादा स्पेस वाले गेम उतने अच्छे से नहीं चल पाते हैं। मोबाइल कभी कभी लैग करता है, हीट करता है, बहुत सारी इश्यूज रहती है। तो इस बेसिस में फ्री फायर अपना पूरा बेस्ट देता है उस जगह पे। बात किया जाए स्पेस में तो गरीना एकदम 700 MB के आसपास में आता है, बट जो इंडस बैटल रॉयल आता है वो करीब 2 GB के आसपास तक डाउनलोड होने के बाद पहुंच जाता है। ये दिखाता तो फर्स्ट में कम MB का है बट लास्ट में जब आप गेम के अंदर घुसोगे तो उसमें आपको 1.7 GB का आपको मैप डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। लास्टली अगर देखा जाए तो कोई भी बच्चा अपने फ़ोन में इंडस बैटल रॉयल इतनी आसानी से नहीं खेल पाएगा, उसका मोबाइल हीट होने स्टार्ट हो जाएगा, चार्जिंग इशू देगा, लैग इशू देगा। और इसी कारण से इंडस बैटल रॉयल के ऑडियंस में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। और हम लोग अगर बात करें स्किन पे, कॉस्ट्यूम पे, तो इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया स्किन बनाया, कॉस्ट्यूम बनाया, बाइक के स्किन्स बनाए, क्योंकि इन लोगों को लाना है इवेंट और ये स्किन्स ही इन लोगों को सेल करके पैसा अर्न करना है। गेम बनाने का मकसद ये होता है गाइस कि पैसा कमाना होता है उन लोग को। स्किन्स में तो ये गेम फ्री फायर को काफ़ी अच्छा टक्कर दिया है। जैसा कि अभी जनरेशन चल रहा है 2024, उस हिसाब से ये दोनों गेम एकदम परफेक्टली एकदम कंपटीशन में आने वाले हैं। अगर इंडस बैटल रॉयल में 2.5 करोड़ का टूर्नामेंट होता है
तो फ्री फायर को अभी कुछ लॉस हो सकता है अपने प्लेयर्स पे। और अब अगर फ्री फायर अपना इंडियन वर्जन लॉन्च नहीं करता है तो फ्री फायर बहुत ही दिक्कत में पड़ने वाला है। फ्री फायर का पूरा मार्केट इंडस बैटल रॉयल लेके जा सकता है, हाईली चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि अभी इंडस बैटल रॉयल ने प्रॉमिस किया 2.5 करोड़ का टूर्नामेंट का, जो आज तक पूरे ई-स्पोर्ट्स कंपनी में नहीं हुआ है, वो अब होने जा रहा है। इस वीडियो में किसी भी गेम को लेके हम लोग का कोई भी मतलब नहीं है हेट फैलाने का। अगर आप लोग समझ रहे हो कि ये वीडियो हेट फैलाने के लिए है तो आप लोग इस वीडियो को स्किप करके चल जाओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कॉन्क्लूजन की, कौन सा गेम विनर रहने वाला है। तो इस कॉन्क्लूजन में हम लोग सब चीज को देखते हुए चलेंगे, टाइम को भी देखते हुए चलेंगे, कंपटीशन को भी देखते हुए चलेंगे। तो बात किया जाए फ्री फायर की, तो फ्री फायर लॉन्च हुआ 2017 में। फ्री फायर सबसे पहला बैटल रॉयल गेम था कि उसने गेम में इतना अपना माइंड लगाया था। भले ही फ्री फायर के उस टाइम पे ग्राफिक्स उतने ज्यादा सही नहीं थे जितना कि इंडस बैटल रॉयल के फर्स्ट लॉन्च में ग्राफिक्स सही थे, और टाइम बाय टाइम देखे तो फ्री फायर ने खुद को काफी जल्दी काफी अच्छा बना लिया है। एंड जो ये इंडस बैटल रॉयल गेम अभी निकला है, ये अपने जगह पे काफी सही गेम निकला है। ये गेम कुछ भी खराब नहीं निकला है। हाँ, अभी थोड़े ग्लीचेस हैं इसके अंदर, थोड़ी प्रॉब्लम है, बट अपग्रेडेट के बाद, टाइम बाय टाइम के बाद ये भी काफ़ी अच्छा गेम बन जाएगा। 6 महीना 1 साल के बाद काफ़ी अच्छा गेम बन जाएगा। बट अगर विनर देखा जाए तो विनर हम लोग यहाँ पे फ्री फायर ही रहने वाला है, क्योंकि फ्री फायर पहले आया है। और ऐसा तो नहीं हो सकता कि इंडस बैटल रॉयल के ओनर ने कभी फ्री फायर खेला ही ना हो, कभी फ्री फायर देखा ही ना हो, कभी फ्री फायर से कुछ आइडिया लिया ही ना हो। बस इसीलिए इस कंपटीशन का विनर फ्री फायर हम लोग की तरफ से रहने वाला है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके अपना सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।